प्रान्या आ जाओ बेटा, आपका ब्रश हो गया। कम कम कम, जल्दी आओ। मम्मा ने आप वेरी गुड से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी गुड। अच्छा ब्रश भी हो गया, कम सेट। तो सबसे पहले सुबह, आजकल क्योंकि आज छुट्टी है, जब छुट्टी होती है तब का रूटीन मैं आपको बता रही हूँ। तो आज छुट्टी है, तो आज छुट्टी के दिन मैं प्रान्या को ये 8 o'clock अराउंड उठी है, 7:30 उठी है। अब 8 o'clock सब फ्रेश होने के बाद अब मैं इसे दे रही हूँ ये ल्यूक वार्म वाटर। प्रान्या ड्रिंक। वेरी गुड। तो प्रान्या पीती है जब तक वाटर, तब तक मैं अपना और काम करती हूँ। और आ गया है प्रान्या का मिल्क। प्रान्या क्या कर रही हो बेटा, आओ। ओ माय गॉड, उठते ही टेंट के अंदर आ जाओ। कम कोई नहीं, आ जाओ जल्दी से। आपका मामा ने मिल्क रख दिया है वहीं पे। अच्छा मैं आपको मिल्क वहीं पे दे देती हूँ, ठीक है? ये लो। तो ये मैंने प्रान्या को दे दिया है मिल्क। और प्रान्या जब तक मिल्क ड्रिंक कर रही है, ओ वेर आर यू बेबी। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं प्रान्या को कोई भी हेल्थ ड्रिंक इसमें मिला के नहीं देती हूँ। मैं प्रान्या को देती हूँ इसमें चाय मिला के। हम अदरक तुलसी की सुबह चाय बनाते ही हैं, उस टाइम पर वही दे डाल के मैं प्रान्या को दे देती हूँ। अराउंड 8:30 प्रान्या मिल्क गिर जाएगा बेटा, अच्छे से पकड़ो। तो अराउंड 8:30 के अराउंड मैं प्रान्या को सुबह का मिल्क देती हूँ। सिप सिप सिप, टेक अ सिप। वेरी गुड। तो प्रान्या कर रही है अपना मिल्क फिनिश, तब तक मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। अब बजने वाला है 10 और 9:30 to 10 के बीच में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं इसको कराती हूँ फ्रूट ब्रेक। तो आज फ्रूट में है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। आज फ्रूट में मैं दे रही हूँ प्रान्या को पपाया। आजकल इसे पपाया पसंद आ रहा है, बच्चों का टेस्ट चेंज होता रहता है, कभी ये नहीं भी खाती थी बट आजकल इसको अच्छा लग रहा है तो मैं इसको दूंगी पपाया। प्रान्या फ्रूट टाइम। हेलो हेलो, नॉक नॉक, ये लो आपकी फूड डिलीवरी, नहीं फ्रूट डिलीवरी। यस, खा के बताओ सबको। आज हम व्लॉग शूट कर रहे हैं तो सबको पता चलना चाहिए कि प्रान्या को पपाया कितना पसंद है। और आज सारा दिन अब ये टेंट पे लगी रहेगी क्योंकि इसको जो एक बार टॉय पसंद आता है ना तो कुछ दिनों तक उससे खेलती है, बाद में बोर हो जाती है। तो प्रान्या कैसा है पपाया? वेरी गुड, यम्मी। ओके, तो आप जल्दी से इसको फिनिश भी करना, ठीक है? ये नहीं कि खेलते ही रहूं। ओके से ओके मम्मा। ओके मम्मा। ओके। और आजकल प्रान्या बना रही है ढेर सारी रील्स, और अगर आपको हमारी रील्स देखनी है तो आप आइडियल मम्मा इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम में प्रान्या ने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, और अगर यहाँ पे भी मैं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स में डालती हूँ बट इंस्टाग्राम में हम ज्यादा डाल रहे हैं। तो ये डॉक्टर, ये मैंने कुछ कुछ खुद से बनाई है, वो भी मम्मा में ही है। हाँ, वो आइडियल मम्मा में हमने चॉक मेकिंग का भी वीडियो डाला हुआ है। प्रान्या ये कहना चाह रही है पक्की यूट्यूबर बन गई है, चॉक मेकिंग लैब। ये है, लो देख लो। तो इसका ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। तो प्रान्या अब आप करो अपने खेल और मम्मा जा रही है कुछ और काम करने। बाय बाय। आज मम्मा करने वाली है अपनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो थी, मैं कर रही हूँ। ये एक पॉट लेके आई हूँ, काटने दिख रहा है उसमें वीडियो में ध्यान दो। ये मैं पॉट लेके आई हूँ और ये बड़ा सा लेके आई हूँ, नहीं ये सक्सेस लगाने के लिए आई हूँ। अब देखो क्या होता है, पहले पास करो फिर दिखाओ इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ। इसके अंदर मम्मा डाल ली है कुछ कुछ पत्थर। हाँ, आपको भी डालने से जा सकते हो ना, इतना इम्पोर्टेंट तो है। क्यों नहीं इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बेटा। अदरवाइज क्या होता है ना, ये जो होल्स हैं ये मिट्टी से ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपके पास बड़ा बड़ा वाला पॉट नहीं, अगर आपको नहीं डालना तो आप ऐसे, तो अगर आपके पास प्लांट है उसमें भी डाल सकते हो, ये भी तो है। अब हम डालेंगे इसमें मिट्टी। ऊप्स, मेरे पास मिट्टी रखी हुई थी। मिट्टी डालकर ध्यान दें कि आपके पत्थर जो है वो हटे ही नहीं देंगे। ठीक है, मेरे को शायद मन कर दो। मम्मा बोले इतना ही करो तो ठीक है। तो फाइनली हमने आज सक्यूलेंट्स ग्रो किए हैं और बीच में प्रान्या ने लगा दिए हैं इनकी सेफ्टी के लिए अपने 3 एलिफेंट्स। तो सक्यूलेंट्स ग्रो करना बहुत इजी है, प्रोपेगेट किए हैं बेसिकली। ये तीनों ड्रेन्स हैं एकदम।
तीन ट्विंस नहीं होते बेटा, ट्रिपलेट्स होते हैं। तो क्या है ना, एक्चुअली सक्यूलेंट्स को ग्रो करना, प्रोपेगेट करना बेसिकली इजी है, ऐसा मैंने नेट पे देखा था। अभी मेरा फर्स्ट टाइम ट्रायल है, फिर मैं बताऊंगी कैसे होता है, हुए या नहीं हुए। अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर प्राण्या को नहलाना है। और टाइम पूरे 11 बज गए हैं, प्राण्या को भूख लग गई है, इसलिए वो पहले ही अपने टैप के आगे बैठ गई है खाने के लिए, और उसका ब्रेकफास्ट आ गया है। आज ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा और दही, जो कि ट्विटी को बहुत पसंद है। अभी गर्म हो रहा है तो ट्विटी अब इसको खाना स्टार्ट करेगी। प्राण्या कम फास्ट। और ये देखिए 1:05 हो गया। जनरली 1 से 1:30 के बीच में प्राण्या को मैं उसके हॉलीडे के दिन लंच कराती हूँ। तो आज लंच में मैंने बनाया है सिंपल खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी आज ये मम्मा ने बनाई थी। तो आज इसलिए यही बनाया है क्योंकि आज मैं लग गई थी थोड़ा प्लांट्स की केयर में अपने, इसलिए आज हम लंच में यही दे रही हूँ, और इसके बाद मैं कुछ और खिला दूंगी। बैठो। और यहाँ पे प्राण्या खिचड़ी और छाछ खा रही है लंच में। अब हो गया है 4:00 और प्राण्या अपनी स्टडीज करी, और साथ में हो गया है मिल्क का टाइम। हेलो बेबी, मिल्क फॉर यू। अब प्राण्या मिल्क भी पिएगी और पढ़ाई भी करेगी। वेरी गुड। किसके साथ पढ़ाई कैसे? थोड़ा सिप्पी थोड़ा पढ़ाई। यम्मी मिल्क, गुड। और मैं कर लेती हूँ कुछ अपना एडिटिंग का काम। और हो गया है 5:00 और ट्वीटी हो गई है रेडी अपनी कराटे क्लास के लिए। कुंफू कराटे रेडी। और इस टाइम पे ये खाती है बनाना, बनाना खा के जा रही है। जैसे इतना पसंद होगा बनाना, है ना, कभी इसे अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता है, डिपेंड्स। चलो मैं करती हूँ इसे रेडी और आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या करती है। ये हेयर कॉम्ब करना है ना। अब आ गए हम डिनर में, 8:00 हो गया है और प्राण्या डिनर में क्या खा रही हो? प्राण्या, प्राण्या के लिए हमने आज रखा है आलू पालक की सब्जी, एग की भुर्जी, कर्ड और चपाती। पर मुझे ये नहीं पसंद है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब प्राण्या कर रही है डिनर स्टार्ट और मम्मा जाएगी खाना बनाने किचन में। यस, कोई नहीं, आराम से खा लो, ठंडा हो जाएगा।